तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो यार, आज इस वीडियो में गेम प्ले पे फोकस कम होगा, बिल्कुल ना के बराबर होगा। जिस पे फोकस ज़्यादा होगा वो है मेरी बातें, जो कि मैं इस वीडियो में करूँगा। तो यार, आज होगा सच का नंगा नाच। जी हाँ, बिल्कुल न्यूड, बिल्कुल कंप्लीट नेक्ड सच का नंगा नाच किया जाएगा इस वीडियो में। और मैं कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करूँगा ताकि वो सब मिलकर हमको पागल ना बना पाए, बैठ के लड़ो माता के। तो यार, जैसा कि दशहरा कल ही ख़त्म हुआ है, कल 10वीं थी, रावण को जलाया गया और कई सारी लड़कियां भी छेड़ी ताड़ी गईं, तो कहने में लेट हूँ लेकिन फिर भी कहना चाहूँगा हैप्पी दशहरा टू ऑल। तो यार, इन 7-8 दिनों आप सबने खूब सारे झूले झूले होंगे, अपने दोस्तों के साथ मज़े किए होंगे, पाव भाजी वगैरह, गोलगप्पे दबा के पेले होंगे मेले के अंदर हैं। और हम आप में से कुछ तो अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ भी गए होंगे, वहाँ पे दबा के आपने आइसक्रीम वगैरह सब खाई होगी, जाइंट व्हील पे भी हैं, सब कुछ मतलब मज़े लिए होंगे तगड़े वाले। सब जान तो भाई तुम्हारी नस नस से वाकिफ़ हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। तो यार, जैसे ये 12-10 साल के जो बच्चे होते हैं, उनको बड़ा शौक होता है यार मेले का। मतलब मेले का नाम सुनते हैं तो मतलब एक तरफ उछल, उनके अंदर मज़े के कीड़े हैं ना, मस्ती के, मतलब बचपन में तो होता ही है, वो उनके अंदर से मतलब उछलने लगते हैं, क्योंकि उन सबको यार खिलौने वगैरह वहाँ पे, वो अपने आप को उस कैरेक्टर में ले लेते हैं, तो वहाँ के खिलौने उनको ज़्यादा पसंद है, जैसे तलवार होगी फलाने का। लेकिन जो 18-21 साल के लौड़े लौंडे हैं, वो अपनी जीएफ के साथ ज़्यादा पसंद करते हैं जाना, ठीक है। और जिनकी सालों की नहीं होती, वो वहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ अपने लिए ढूंढने चले जाते हैं मज़े में, ऐसी कभी हुआ तो। यार बिल्कुल ही जिस तरीके से वो जाते हैं ना, मतलब बिल्कुल जैल वैल लगा के, बिल्कुल अपना टशन मार के, बिल्कुल ब्रेसलेट चढ़ा के, नकली पीतल की चैन पहन के हैं जिस पे गोल्ड प्लेटिंग हो रखी होती है, तो ये सब बिल्कुल कतई जस्टिन बीवर बन के जाते हैं भाई, टॉम क्रूज समझ के अपने आप को। ये तो साला बाद में पता चलता है, यही भोसड़ी वाले जेब कतरे होते हैं मादर चो साले। तो यार, जो जो बंदे न्यूज़ देखते हैं ब्राजर्स के अलावा आप सब में से, उनको पता ही होगा कि हाल ही में चालान का जो दाम था या रेट थे या कीमत, अबे चालान है यार, कोई प्रोडक्ट थोड़ी है जो कीमत होगी। हाँ, तो जो भी चालान का जो रुपया था, रकम थी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, मतलब गांड फाड़ बढ़ गई थी बहन चो, मतलब पसीना छूट जाता था गांड से। जी हाँ, गांड से होता, वो झाटों तक चला जाता था पसीना। तो भैया, ऐसे हाल में जिन बंदों ने अपनी गाड़ी, मतलब जिन बंदों से अपनी गाड़ी की EMI नहीं भरी जा रही, वो क्या चालान लंड भरेंगे? तो बहन चो, इससे बढ़िया तो वो समझेंगे गाड़ी को आग ही लगा दो भाई। और ये कुछ हद तक सही भी है भाई, ऐसा कर दो, मतलब ये रूल ठीक है यार, चालान है, लेकिन इतना ज़्यादा साला, इतना ज़्यादा बंदे की जान, मतलब जानलेवा चालान है तो बहनचोद। और इसके साथ साथ, अच्छा, जो बंदे आग लगाते हैं वो साले पकड़े भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो पुलिस छोड़ देती है उनको, ऐसी नहीं है, पुलिस पकड़ती है उनको, हिरासत में लेती है या फिर डाल देती है जेल में, डाल देती है शायद से, या डाल ही देती है शायद से क्या, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यार, आपने गाड़ी को आग लगाई है, चालान आपने दिया नहीं। तो अच्छा, जो बंदे आग लगा देते हैं या फिर जो कर चुके हैं ऐसा, उनसे बाद में पूछा जाता है, तो फिर ऐसे ही बंदों का जवाब होता है जब पुलिस उनसे पूछती है, भाई तूने गाड़ी को आग क्यों लगाई? तो ऐसे बंदे कहते हैं, जो चीज़ मेरी नहीं हो सकी वो किसी की नहीं होगी। अरे भागलंडो, गाड़ी है कोई तुम्हारी, एक्स ही नहीं जिसको तुम आग लगा दो, है ये क्या बात हुई? मतलब आग लगाई तो चलो ठीक है, बैंड चोर ऊपर से ये जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक ऑर्डर दिया है जिसके तहत दिल्ली के अंदर 1000 जिम बंद किए जाए, सील किए जाए। अब ये ऑर्डर तो मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि एक तरफ सरकार कहती है कि फिट इंडिया फिट इंडिया, और दूसरी तरफ ऐसा ऑर्डर आ रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि जिम ट्रेनर्स और जिम ओनर्स काफ़ी हद तक जूते काटते हैं लोगों का, लेकिन मेरे जैसे जिम फ्रीक्स या फिर मेरे जैसे नौजवान जो बॉडी बनाना चाहते हैं, उनके लिए तो भैया वर्कआउट ज़रूरी है डेली बेसिस पे। तो अगर गवर्नमेंट चाहती है कि हम उनके बनाए हुए पार्क वाले जिम जो भी हैं उनको यूज़ करें, तो भैया ऐसे जिमों में मुझे नहीं जाना, मुझे वहाँ लकड़ी ईंट नहीं उठानी बैठ चोत। और हाँ, उस पार्क में कौन जाता है यार, वहाँ तो सिर्फ मुझे 40-45 की उम्र की आंटियाँ दिखती है बैठ, से मुझे नहीं जाना उस पार्क में,
बस मैंने कह दिया मुझे नहीं जाना, मुझे बचा लो। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और शेयर भी कर देना अगर मेरे ओपिनियन से एग्री करते हो, और दूसरे एपिसोड बने इसके लिए नीचे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।